गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल। और मेरा बैकग्राउंड देख के और मेरा आउटफिट देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो क्या होने वाला है। सो यस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस मेकअप लुक राइट हियर। बहुत ज़्यादा प्रिटी वाला मेकअप लुक है ये, और मैंने आई शेडो को गोल्डन एंड ब्राउन में ही रखा है, बिकॉज ये जो गोल्डन एंड ब्राउन होता है वो हर एक आउटफिट के साथ जाता है। आप बस लिप शेड को चेंज कर लीजिए आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग एंड यू आर गुड टू गो। एंड यस, इस वाले मेकअप लुक में जो मेरा आई शेडो है उसको मैंने थोड़ा सा मैसी कर दिया है, बिकॉज मैंने यूज़ किया था वेट एंड वेल का ग्लिटर आई शेडो और वो इतना ज़्यादा घटिया है कि उसने मेरा पूरा आई शेडो जो मैंने अप्लाई किया था वो पूरा ख़राब कर दिया। बट यस, आई सम हाउ मैनेज्ड कि थोड़ा सा अच्छा दिखे, और अभी कुछ इस तरीके का दिख रहा है मेरा आई शेडो। इतना भी ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, मैंने इसे ठीक करने का ट्राई किया। और यस, आई होप आपको ये वाला लुक पसंद आएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और बेल बटन को भी हिट करना मत भूलिएगा ताकि आपको वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो मेरे फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं है, और अब मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेरा होममेड सेटिंग स्प्रे, और इसकी हेल्प से मैं अपने फेस को टोन कर लूँगी। और मैं इसे अच्छे से मेरी स्किन में पुश कर लूँगी। अब मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ये पॉन्स का सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, और ये मैंने अभी रिसेंटली परचेज किया है एंड आई रियली रियली लव दिस मॉइस्चराइजर। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मॉइस्चराइजर है ये, और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। मेरी जो स्किन है वो है नॉर्मल टू ड्राई, बट स्टिल मुझे ये मॉइस्चराइजर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें हाइलुरोनिक एसिड है और ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट भी करता है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा गुड वाइब्स का रोज़ हिप फेशियल सीरम। ये रेडियंट ग्लो फेस सीरम है और ये मेरा फेवरेट है, ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी, बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है फेस को और बहुत अच्छे से स्मूथ बना देता है। नाउ अभी विंटर स्टार्ट हो गए हैं और मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और जो स्किन है वो पील होने लगती है, सो मुझे एक्स्ट्रा हाइड्रेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये बायोटीक का बायो फ्रूट लिप बाम, और इसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी और मेरे लिप्स भी काफ़ी ज़्यादा ड्राई एंड चैप्ड हो जाते हैं, सो मैं इसे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। नाउ ये डे टाइम मेकअप लुक है, सो मैं यूज़ करने वाली हूँ ये रिक्विल का सनस्क्रीन। इसमें है SPF 50 PA ट्रिपल प्लस, और आई नो कि विंटर्स है बट स्टिल सन रेज होते हैं, यूवी रेज होते हैं, सो आपको सनस्क्रीन हर एक सीज़न में यूज़ करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग सनस्क्रीन है। मैं आजकल यही सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, और ये कोई भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता है फेस पे, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाता है, बहुत अच्छे से ग्लाइड ऑन हो जाता है और बिल्कुल भी स्टिकी या फिर ऑयली नहीं है। सो ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट सनस्क्रीन है। नाउ प्राइमर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा हुदा ब्यूटी का प्राइमर, और इसे मैं थोड़ा सा लूँगी अपने बैक ऑफ दी हैंड्स पे। जस्ट इतना। नाउ इसमें मैं ऐड करूँगी मेरा मिस क्लेयर का बेक हाइलाइटर, इस प्राइमर के साथ मिक्स कर लूँगी और अब मैं मेरे फेस पे अप्लाई कर दूँगी। नाउ आप देख सकते हो मेरे फेस पे बहुत अच्छा ग्लो आ गया है। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ मेरे आई मेकअप से, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर दिस इन दी शेड लाइट, और इसकी हेल्प से मैं अपने आई को कंसील कर लूँगी। ब्रश की हेल्प से ही मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नाउ कलर एसेंस कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने आई शेडो को अच्छे से सेट कर लूँगी। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा कॉम्पैक्ट है और ये अच्छा खासा कवरेज भी प्रोवाइड करता है और आपके फेस को बहुत अच्छे से मैट बना देगा। मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट, और इस पैलेट में से मैं ये वाला शेड पिक करूँगी। ये एक मॉवी काइंड ऑफ अ शेड है और इसके हेल्प से मैं अपने क्रीज को डिफाइन कर लूँगी। नाउ मैं पिक कर रही हूँ ये वाला ट्रांजिशन शेड और इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई कर दूंगी।
बट ये जो मॉव शेड है उसके थोड़ा सा नीचे मैं अप्लाई करूंगी, ये वाला ट्रांजिशन शेड। नाउ मैं यूज कर रही हूँ ये वाला डार्क ब्राउन शेड और इसे मैं अपने आउटर वी पे अप्लाई करूंगी। मैं बस इस तरीके से प्लेस कर रही हूँ अपने आउटर वी में। नाउ अगेन मैं कंसीलर ले रही हूँ एक फ्लैट ब्रश से और इससे मैं कट पीस ड्रॉ करूंगी। नाउ इस कंसीलर को मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से सेट कर लूंगी। नाउ मैं यूज करूँ वेट एंड वाइल्ड आई शेडो में से मैं ये वाला शेड, ये एक गोल्डन शैम्पनी सॉर्ट ऑफ अ शेड है और इसे मैं अपने क्रीज में अप्लाई कर दूंगी अपने फिंगर की हेल्प से। नाउ मैं यूज करी हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ग्लिटर आई शेडो और इसमें जो मेरा शेड है वो है ब्रास और इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी। ये जो आई शेडो है ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया बिकॉज ये इतना अच्छे से स्टिक नहीं करता, इसको वर्क करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। सो मैं इस आई शेडो को अपने शैम्पनी सॉर्ट ऑफ जो शेड मैंने अप्लाई किया है उस पर मैं इस तरीके से प्लेस कर लूँगी इस ग्लिटर को। नाउ अगेन जो सेम डार्क ब्राउन आई शेडो है उसे मैं इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्टेक वर्की का आईलाइनर और इसमें मेरा शेड मुझे नहीं पता बट ये गोल्डन कलर का आईलाइनर है और इसे मैं अपने क्रीज पे अप्लाई करूंगी इस तरीके से। एंड यस मैंने अपना आई लुक फिनिश कर लिया है। नाउ अब आ रही आती है फाउंडेशन की। सो यहाँ पे मैं यूज करने वाली हूँ मेबलिन का फिट मी फाउंडेशन और ये गार्नियर की बीबी क्रीम, क्योंकि ये वाला जो फाउंडेशन है वो मेरी स्किन टोन पे काफी ज्यादा लाइट है। सो मैं ये गार्नियर की बीबी क्रीम मिक्स करूंगी इसमें। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का फिट मी कंसीलर इन दी शेड लाइट और ये एक हाइलाइटिंग कंसीलर की तरह वर्क करेगा और इसे मैं अपने अंडर आई एरिया में अप्लाई कर दूंगी। नाउ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं ब्लेंड कर लूंगी। नाउ अगेन कलर एसेंस के कॉम्पैक्ट की हेल्प से मैं अपने कंसीलर को सेट कर लूंगी। नाउ एज यू गाइस कैन सी कि इसने मेरे अंडर आई को कितना अच्छे से हाईलाइट कर लिया है। ये कॉम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। नाउ ब्राउज के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला शेड और इसके हेल्प से मैं अपने ब्राउज को फिल कर लूँगी। सो वो जो मैंने वेट एंड वर्ल्ड का ग्लिटर अप्लाई किया था वो बहुत ज़्यादा घटिया था और उससे मेरा पूरा आई मेकअप खराब कर दिया। सो अगेन मैं ये वाला शेड अप्लाई करूंगी मेरे क्रीज पे और अपने फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई करूंगी ताकि जो ग्लिटर अप्लाई किया था वो सेट हो जाए। अगेन ग्लिटर आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी। नाउ मैं यूज कर रही हूँ लैक्मे का इंस्टा आईलाइनर और इससे मैं विंग ड्रॉ कर लूंगी बट बहुत ही ज़्यादा थिन ड्रॉ करूँगी, मैं थिक ड्रॉ नहीं करने वाली बिकॉज ऑलरेडी मेरी आईज जो है वो छोटी है। सो मैं एकदम थिन से विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। मैं यूज़ करूँ ये वाला डार्क ब्राउन शेड और इसकी हेल्प से मैं अपने लोअर लैश लाइन को स्मच कर लूँगी। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ स्टेक वर्की की बैडस काजल और इसे मैं अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी।
अपना मैं यूज कर रही हूँ ये फेसेस का मस्कारा, ये है मैग्नेट आईज ड्रामेटिक वॉल्यूमराइजिंग मस्कारा, और इसे मैं अपने लैशेस पे अप्लाई कर लूँगी। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग मस्कारा है ये, और ये मेरा रीसेंट परचेज है एंड आई लव दिस मस्कारा। बहुत ही अच्छे से लैशेस को सेपरेट करता है और लैशेस को अच्छे से कर्ल कर लेता है। ना मैं फॉल्सीज अप्लाई करके आती हूँ, ना मैंने फेक लैशेज अप्लाई कर ली है। और कॉन्टोरिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेकअप रेवोल्यूशन का रीलोडेड आई शेडो पैलेट एंड इन द शेड न्यूट्रल्स टू, और इस पैलेट में से मैं ये दो शेड मिक्स करके अपने फेस को कॉन्टोर करूँगी। अब ब्लश के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा फेसेस का ग्लैम ऑन ब्लश। ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पीची सॉर्ट ऑफ अ ब्लश है और इसका शेड है ब्लश एप्रिकॉट 06, और इसमें हल्की सी शीन भी है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल ब्लश है और ये आपको बस थोड़ा सा लेना है, बस इतना सा अमाउंट लेना है और आपको आपकी शीट्स पर अप्लाई करना है। नाउ एज यू गाइस कैन सी बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड ब्लश है ये, सो आपको इसे बहुत ध्यान से अप्लाई करना है। मैं फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँ। नाउ हाइलाइटर के लिए मैं अगेन ही यूज़ करी मिस क्लेयर का बेक हाइलाइटर इन दी शेड 04, और इससे मैं अपने इनर कॉर्नर्स, ब्राउ बोन, अपने फेस को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। नाउ इस मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज करूँ मेरा होममेड मेकअप सेटिंग स्प्रे, और इसे मैं अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूंगी। इसे मैं ड्राई होने दूंगी और ये बहुत ही ज्यादा ड्यूई फिनिश देता है। अगेन मैं थोड़ा सा हाइलाइटर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी बिकॉज शादी है, सो वाई नॉट, एक्स्ट्रा ग्लो तो चाहिए। नाउ अब आ रही आती है लिपस्टिक की। सो लिपस्टिक के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ ये नायका का लिपस्टिक, दिस इज इन दी शेड 06 डायना, और दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट लिप शेड। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेड है ये, और इसे मैं अपने लिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। नाउ ये जो लिपस्टिक है वो एज इट इज़ बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही है, बट मैं इस पर अप्लाई करने वाली हूँ ये मेबेलिन की क्रीमी मैट लिपस्टिक, दिस इज़ इन दी शेड फ्लेमिंग फूशिया, और मैं इसे अपने फिंगर की हेल्प से अपने इस लिप्स पे अच्छे से डैप कर लूँगी थोड़ा सा और पिंकिश बनाने के लिए। एंड येस मेकअप हो गया है और अब मैं जल्दी से अपने आउटफिट को चेंज करके आती हूँ। एंड येस इज़ अ फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटकम, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टर्न आउट हुआ है। बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है ये वाला मेकअप लुक, और ये वाला जो मेकअप लुक है आप कोई भी आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हो। बस आपको लिप शेड और बिंदी चेंज करना है आपके आउटफिट के अकॉर्डिंग, और बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये वाला मेकअप लुक। सो आई होप आपको मेरा आज का लुक पसंद आया होगा और आज का वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड आई सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी। बाय।